कंट्री मिश्रा और आप देख रहे हैं कोर्ट बिज। और आज की वीडियो बहुत जरूरी होने वाली है क्योंकि सभी टैक्स पेयर्स का इंतजार खत्म हुआ और सरकार ने 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग की प्रेस रिलीज की सहायता से सारे छोटे बड़े चेंजेस से हमें अवगत कराया। इस मीटिंग में कई इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं जो आम आदमी और बिजनेसेस के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो आइए समझते हैं संक्षेप में कि क्या क्या ऐसे बदलाव हैं जिनका सीधा सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट और पेनाल्टीज की। जीएसटी काउंसिल ने डिसाइड किया है फाइनेंशियल ईयर 2017-18, 2019-20 तक के सभी डिमांड नोटिसेस पर इंटरेस्ट और पेनाल्टीज को वेव किया जाएगा अगर आप अपने टैक्सेस 31 मार्च 2025 तक क्लियर कर देते हैं। इससे टैक्स पेयर्स को बहुत राहत मिलेगी और उन्हें अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में फ्लेक्सिबिलिटी होगी। अब हम बात करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि ITC की। काउंसिल ने ITC के लिए टाइम लिमिट को एक्सटेंड किया है। अब फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से 2020-21 तक के इनवॉइसेस और डेबिट नोट्स के लिए 16 सेक्शन में टाइम लिमिट 30 नवंबर 2021 तक बीम की गई। इससे कई पेंडिंग केसेस का रिजोल्यूशन होगा और टैक्स पेयर्स को रिलीफ मिलेगा। अब हम बात करते हैं मॉनेटरी लिमिट फॉर जीएसटी अपील्स। जी हाँ, जीएसटी अपील्स की मॉनेटरी लिमिट में भी कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए। अब जीएसटी अपील ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करने के लिए मैक्सिमम लिमिट 20 लाख है, हाई कोर्ट में 1 करोड़ और सुप्रीम कोर्ट में 2 करोड़। ये चेंजेस अपील्स के प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने में मददगार साबित होंगे और टैक्स पेयर्स के लिए फाइनेंशियल बर्डन कम करने में सहायक होंगे। अब हम बात करते हैं रिडक्शन इन प्री डिपोजिट अमाउंट फॉर जीएसटी अपील्स। जीएसटी अपील्स के लिए प्री डिपोजिट अमाउंट भी रिड्यूस किया गया है। अब CGST और SGST के लिए मैक्सिमम प्री डिपोजिट अमाउंट 20 करोड़ है अंडर सेक्शन 107 एंड 112। पहले ये अमाउंट 25 करोड़ और 50 करोड़ था। इससे टैक्स पेयर्स को अपनी अपील्स को फाइल करने में आसानी होगी और कैश फ्लो भी मेंटेन करने में मदद मिलेगी। एग्जेम्पशन ऑफ जीएसटी ऑन एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल। जी हाँ, ENA यानी एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल जो कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए मैन्युफैक्चर की जाएगी, उसे जीएसटी से एक्सक्लूड कर दिया गया है। जी हाँ, अब हम बात कर रहे हैं रेट बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेशंस ECOS। ई कॉमर्स पर बिजनेस करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, TCS जो आपका 1% कट का था ऑन द सेल्स थ्रू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स लाइक मीसो Amazon, इसे अब 0.5% कर दिया गया है यानी कि 0.25 CGST प्लस 0.25 GST। GST अपीलेट ट्रिब्यूनल फाइलिंग पीरियड 3 महीने का रहेगा जिसकी शुरुआत की डेट अभी अनाउंस होनी बाकी है। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट बर्डन की। अमेंडमेंट ऑफ रूल 88B CGST। अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग के 1 दिन तक पैसा है तो उस पे आपको कोई भी इंटरेस्ट गवर्नमेंट को नहीं देना है। ड्यू डेट के 1 दिन बाद का बैलेंस पर इंटरेस्ट देना होगा। April 1, 2025 से नई एंटी प्रॉफिटिंग एप्लीकेशन के लिए सनसेट क्लॉज लागू की गई है। रिडक्शन इन थ्रेशोल्ड फॉर B2C इंटरस्टेट सप्लाईज। B2C इंटरस्टेट सप्लाईज के लिए रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड को 2.5 लाख से 1 लाख तक कम कर दिया गया है। फॉर्म GSTR1 में इनवॉइस वाइज मंथली फाइलिंग ऑफ GSTR7। TDS डिडक्शंस के लिए GSTR7 का मंथली फाइलिंग बिना किसी लेट फाइन के किया जाना है। नील रिटर्न्स के लेट फाइलिंग के लिए कॉमन टाइम लिमिट फॉर डिमांड नोटिसेस इन CGST एक्ट अमेंडमेंट्स। फॉर्म CST4, एक और बड़ा चेंज ये है कि फॉर्म GST4 की फाइलिंग के लिए डेडलाइन 30 अप्रैल की जगह 30 जून तक कर दी गई है। पर ये नियम फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से लागू होगा। अब हम बात करते हैं आधार ऑथेंटिकेशन की। GST काउंसिल ने पूरे देश में बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन को GST रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन के फेज में लागू करने की सिफारिश की। इसका उद्देश्य रजिस्ट्रेशन की सत्यता को सुधारना और फेक इनवॉइसेस के माध्यम से फ्रॉडुलेंट इनपुट टैक्सेस को क्रेडिट क्लेम्स को रोकना है। गुड्स के GST रेट्स में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। एयरक्राफ्ट पार्ट्स पर 5% IGST ऑन इंपोर्ट्स, स्टील, आयरन और एल्युमिनियम मिल्क कैंस पर 12% GST, पेपर कार्टून्स और बॉक्सेस पर GST कम किया गया है, 18% से 12% तक कर दिया गया है। सोलर कुकर्स पर 12% GST चाहे सिंगल हो या डबल एनर्जी सोर्स का, पोल्ट्री मशीन पार्ट पे 12% GST, सभी टाइप्स के स्प्रिंकलर्स जैसे वाटर स्प्रिंकलर्स पे 12% GST। इससे इंडस्ट्रीज को कॉस्ट सेविंग होंगे और कंज्यूमर को भी रिलीफ मिलेगा। सर्विसेज में भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, जैसे कि इंडियन रेलवे की कुछ सर्विसेज जैसे प्लेटफॉर्म टिकट, रिटायरिंग रूम, क्लॉक रूम्स और बैटरी ऑपरेटेड कार सर्विसेज को GST से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है।
एकोमोडेशन सर्विसेज में स्टूडेंट और वर्किंग प्रोफेशनल को रिलीफ मिली है क्योंकि एकोमोडेशन अब 20,000 पर मंथ फॉर 90 डेज एक्सटेंड कर दिया गया है। एसपीवी सर्विसेज टू इंडियन रेलवे और मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंडियन रेलवे टू एसपीवीज को भी एक्सेम्प्ट किया गया। तो ये थी सभी मेजर जीएसटी अपडेट्स जो कि 53rd काउंसिल मीटिंग के प्रेस रिलीज में मेंशन है। अगली जीएसटी मीटिंग अगस्त में रखी गई है जिसमें और भी बड़े चेंजेस एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। कोई भी क्वेरी के लिए आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे किसी ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।